गाजियाबाद के थाना विजयनगर पुलिस ने ऐसे लुटेरों को गिरफ्तार किया है जो रिश्ते में मामा भांजे हैं और दोनों एक साथ मिलकर मोटरसाइकिल के माध्यम से राहगीरों के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया करता है। पुलिस ने इसके अलावा चोरी का माल खरीदने वाले सुनार को भी गिरफ्तार किया है। कब्जे से लूट के से 4 कुंडल पीली धातु एवं एक तमंचा 315 बोर, 2 कारतूस 315 बोर बरामद। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। गाजियाबाद से संवाददाता अनिल अग्रवाल की खास रिपोर्ट। वारदात को अंजाम दिया करते थे और क्या कुछ उनके पास से बरामदगी की गई है? गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर महोदय के निर्देश पर अपराधियों की नकेल कसने की दिशा में विजयनगर थाने की टीम को एक सफलता हाथ लगी है, जिसमें उन्होंने 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की है, जिसमें विजयनगर थाना क्षेत्र में 14 तारीख और 27 तारीख को 2 महिलाओं के साथ कुंडल की लूट की घटना हुई थी, उसका अनावरण हुआ है। इसमें सारिक चौधरी और साकेत 2 लुटेरे गिरफ्तार हुए हैं। साथ ही साथ इसमें एक खालिद नाम का व्यक्ति जो सोना चांदी इनके लूट का खरीदता था उसको भी गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से कि शारिक और साकेत के बीच में मामा भांजे का रिश्ता है और इसके पहले साकेत के विरुद्ध 9 मुकदमे दर्ज हैं और शारिक के विरुद्ध 3 मुकदमे दर्ज हैं। उनका जो आबादी का इतिहास है, इनके पास से लूट में लूटे गए जो है 4 कुंडल बरामद हुए हैं, 1 तमंचा बरामद हुआ और 2 कारतूस बरामद हुए हैं। साथ ही साथ घटना में जो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल इस्तेमाल की गई थी उसकी भी बरामदगी हुई है। इनकी मॉडस ऑपरेंडी है कि कोई महिला अगर देखते थे सुनसान स्थान पे एक व्यक्ति उनके पीछे पीछे जाता था, दूसरा व्यक्ति मोटरसाइकिल से आगे चलता रहता था और वो कुंडल लूट करके मोटरसाइकिल पर बैठ करके भाग जाते थे। इस तरह से विजयनगर पुलिस को एक सफलता हाथ लगी है। इन अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, उनके ऊपर जनरेस्ट एक्ट की कार्रवाई कराई जाएगी। ठीक सर, इनका आपराधिक रिकॉर्ड क्या है? इसमें जो इसका मामा है साकिर नाम का, उसके विरुद्ध 9 मुकदमे हैं। इसमें लूट के मुकदमे, चोरी के मुकदमे भी हैं, साथ ही साथ तारीख के ऊपर भी लूट के मुकदमे हैं। गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर के मुकदमे इन लोगों के ऊपर है।